एल टाइप की प्रॉपर्टी आपकी रहने वाली है और मेट्रो से लगभग 500 मीटर दूर आप अपनी छत से मेट्रो स्टेशन देख सकते हैं, इतना नियर बाय रहने वाला है। और प्राइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो गाइस। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को। मैं रोहित शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए। एक बहुत प्यारी प्रॉपर्टी आपके लिए लेकर आया हूँ, 3 BHK एल टाइप कॉर्नर, मेट्रो से बहुत नियर बाय, प्राइसिंग बहुत कंफर्टेबल है। और क्या चाहिए आपको गाइस, तो सभी चीज़ें आपको इस प्रॉपर्टी पर मिलने वाली है, लेकिन लिमिटेड यूनिट्स हैं तो आपको अगर रिक्वायर्ड है डायरेक्ट क्वारी कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके डिस्प्ले पर ऑलरेडी चल रहा है। इसकी कुछ फैसिलिटीज़ और लोकेशन की बात करूं तो आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल मेन रोड आपको दिखा देता हूं, यहां से कितना दूर है आपकी प्रॉपर्टी। साथ में इस प्रॉपर्टी का एलिवेशन ज़रूर देखिए। और इसकी पार्किंग की अगर बात करें तो पार्किंग आपको बहुत अच्छे स्पेस की मिलने वाली है। टोटल इस बिल्डिंग में 8 फ्लैट्स हैं, मतलब एक फ्लोर पर 2 फ्लैट अवेलेबल हैं, तो इजीली आप अपना 4-व्हीलर यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं। और साथ में अगर बात करूँ लोन रजिस्ट्री की, तो आपको किसी भी अच्छे बैंक से लोन मिल जाएगा जो कि हम आपको करवा कर देने वाले हैं। तो अगर आपको रिक्वायर्ड है 2 BHK, 3 BHK या एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, इसका प्राइस मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर चुका हूं। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज अभी स्टैंडिंग हूँ मेरे 3 BHK 100 स्क्वायर यार्ड फ्लैट के बिल्कुल एंट्रेंस पर। और इस फ्लैट की मैं इन्वेंट्री एक बार आपको बता देता हूँ, एक फ्लोर पर 2 फ्लैट हैं, फ्रंट में है आपका 3 BHK और रियर साइड आप इसको बोल सकते हैं नहीं भी, क्योंकि ये भी आपका फ्रंट साइड का है, ये आपका 2 BHK अप्रोक्स 70 स्क्वायर यार्ड का फ्लैट रहने वाला है। तो इसका वीडियो अगर आपको देखना है तो आई बटन में मैं ऑलरेडी लिंक डाल चुका हूँ, आप क्लिक करके इस 2 BHK 70 गज की वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। और साथ में अब एंटर करते हैं हमारे 3 BHK सुपर लग्जूरियस और बहुत प्यारी अफोर्डेबल कॉस्ट के साथ बना एक 100 स्क्वायर यार्ड का 3 BHK। जस्ट अभी एंटर किया हमने तो स्टार्टिंग में हमारा लिविंग एरिया होता है, यूजुअली लिविंग एरिया का स्पेस हमने इतना ज़्यादा स्पेशियस आपको करके दिया है कि आप इजिली यहाँ पर सब कुछ अपना मैनेज कर सकते हैं, सोफ़ा सेट कर सकते हैं मैनेज, डाइनिंग आप लगा सकते हैं अप्रोक्स 4-6 सीटर का, तो बहुत प्यारे स्पेस के साथ पूरा लिविंग हॉल जो है आपका बना हुआ है। वॉल्स की अगर बात कर लेते हैं, आपको प्लास्टिक पेंट ऑलरेडी हम करके देंगे और उसके ऊपर आपको जो है वॉल पेपर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, बहुत प्यारे डिज़ाइंस हम यूज़ करते हैं और ये वाला तो बहुत बेहतरीन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वॉलपेपर्स, इंटीरियर्स, वीडियोस कैसा लगता है। और इसी के साथ एक बार बात कर लेते हैं पूरे लिविंग एरिया के स्पेस की, प्लीज़ मुझे स्पेस ज़रूर दिखाइएगा लिविंग हॉल का पूरा। इजिली आप अपना एल टाइप का सोफ़ा 12-15 सीटर यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, इतना पूरा आपको स्पेस मिलेगा। और अब इसके अपोजिट साइड में देख लेते हैं हमें क्या मिलने वाला है। ये है हमारा टीवी कैबिनेट, जब आप अपना सोफ़ा वहाँ प्लेस करेंगे अपोजिट साइड में तो सामने टीवी पर आप अपना कोई भी प्रोग्राम चलाकर आनंद ले सकते हैं। और बीच के स्पेस की अगर बात करूँ, स्पेस यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं एक डाइनिंग टेबल के साथ। अब इस लिविंग हॉल की फॉल सीलिंग एक बार देख लेते हैं। फॉल सीलिंग पर हम हमेशा से ही अपना बेस्ट देते हैं, अच्छे वर्क्स करते हैं, डिज़ाइंस देते हैं, ताकि आपके गेस्ट आए, इम्प्रेस हो और वो भी बोले कि हमें भी ऐसे ही डिज़ाइंस के फ्लैट चाहिए और आप हमें ऐसे ही सजेस्ट करते रहें। तो फॉल सीलिंग में आपको डिज़ाइन अच्छे मिलेंगे, शैंडलियर बहुत प्यारे मिलेंगे, 2 फैन इसमें ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। और इसी के साथ हम आपको एक बार किचन भी दिखा देते हैं अपने इस फ्लैट की। किचन की अगर बात करूँ तो स्पेस आपको इतना मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप देख सकते हैं एल शेप की पूरी हमारी किचन रहने वाली है, लंबा चौड़ा पूरा स्पेस आपको इसमें मिलने वाला है।
अगर इसमें बात करूं टाइल्स की, तो हमने यहाँ पर आपको जो है हाफ वॉल पर टाइल्स दी है ताकि आपकी वॉल्स ज़्यादा गंदी ना हो, और टाइल्स ऐसी हैं अगर आप इस पर एक बार कपड़ा मारेंगे तो इजिली ये पूरी क्लीन हो जाएंगी। और उसके बाद वेंटिलेशन की सबसे आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड रहता है किचन के अंदर, तो वेंटिलेशन आपको जो है ये पूरा एक विंडो सेटअप मिलने वाला है। यहाँ पर अपना एग्जॉस्ट लगाइए, इजिली आपको वेंटिलेशन मिलेगा। प्लस में आपको कुलीना कंपनी की एक चिमनी हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर देने वाले हैं, मैं टच नहीं करूँगा। सो चिमनी भी आपको प्रॉपर वेंटिलेशन देगी, और पूरी किचन में सभी ब्लॉक्स आपको एज इट इज़ मिलने वाले हैं, चाहे वो बास्केट्स हो, आपको क्रोकरीज रखने के कुछ भी स्पेस चाहिए, तो वो सारा ऑलरेडी मैनेज है। आप एक बार जब विजिट करेंगे तो ईजिली आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लस में आपका सिंक का एरिया यहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो ईजिली आप अपना काम कर सकते हैं। ये है आपका आउटर का एक ब्लॉक, इसको हम किचन का पार्टीशन भी बोल सकते हैं, जहाँ पर आपको कुछ ब्लॉक्स कुछ स्पेस मिले हैं, इजिली अपने डेकोरेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स रखिए, आपका घर अच्छी लुक देने वाला है और आपके गेस्ट तो इम्प्रेस ज़रूर हो गए। चलिए देखते हैं हमारा एक फर्स्ट बेडरूम विद बालकनी, और सनलाइट तो भरपूर आपको इसमें मिलने ही वाली है। तो ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम विद एक सेपरेट बालकनी, और सबसे पहले तो इसके स्पेस की बात कर लेते हैं। स्पेस आपको इतना मिला है, आप डबल बेड लगाइए, अलमीरा ऑलरेडी प्लेस्ड है, आप दो चेयर्स रख सकते हैं, इजिली अपना एलईडी प्लेस कर सकते हैं, इतना स्पेस आपको इस बेडरूम में मिलने वाला है। अब बात करते हैं, यहाँ पर आपको वॉलपेपर दिया गया है, 3D लुक में है, डिज़ाइन बहुत प्यारा है, और सबसे बेस्ट आपको कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। ये आपको एक अलमीरा सेटअप मिलेगा, डबल ड्रॉर की अलमीरा है, ऊपर भी कुछ ब्लॉक है, तो इजिली अपना कोई भी स्टोरेज से रिलेटेड सामान रख सकते हैं। अगेन इसकी फॉल सीलिंग अगर देखें तो वहाँ पर आपको बहुत खूबसूरत सा एक डिज़ाइन मिलने वाला है, ब्राउनिश लुक, मेरा फेवरेट कलर है, घर के अंदर ब्राउन कलर ना हो तो मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। और फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सनलाइट बहुत प्यारी आ रही है, हम एक बार इसकी बालकनी देख लेते हैं। ये आपको स्पेस मिला है यहाँ पर बालकनी का, इसलिए आप शाम को यहाँ पर बैठ सकते हैं। एक और बालकनी है, वो भी आपको दिखाऊंगा, एल टाइप की बहुत बड़ी बालकनी इस फ्लैट में मिलने वाली है। तो चलते हैं इसके कॉमन वॉशरूम की तरफ। कॉमन वॉशरूम से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारा जो है वॉश बेसिन का एरिया है, यहाँ पर हमने एक मिरर प्लेस किया है, प्रॉपर जो है आपको यहाँ पर सामान अपना रखने के लिए पूरा स्पेस मेंशन किया गया है। फिर आता है हमारा कॉमन वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम के अंदर अगर हम जाएं तो डेप्थ पूरी है इसकी, पूरी लंबाई है और विड्थ भी अच्छी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको WC का एरिया अलग मिला है, फिर शॉवर का एरिया अलग मिला है, तो यहाँ पर पूरा स्पेस आपको मिलने वाला है। टाइल्स की बात कर लेते हैं, टाइल्स आपको एंड टू एंड मिलेगी, वेंटिलेशन मिलेगा, गीजर की फिटिंग मिलेगी, टैप्स अच्छी कंपनी के मिलेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस फ्लैट पर आकर विजिट कर देख सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड बेडरूम में, जो कि हमारा एल टाइप की बालकनी के साथ अटैच है, मतलब हमारे दो जो बेडरूम है वो एल टाइप की बालकनी के साथ अटैच है। तो अगर काउंट किया जाए तो तीनों बेडरूम के अंदर आपको बालकनी मिलने वाली है। अब इस बेडरूम की बात करते हैं, तो वॉलपेपर और कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत प्यारे लगे। अगेन आपको पसंद आता है तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके स्पेस की बात करते हैं, तो आप इजिली डबल बेड लगा सकते हैं, चेयर आपको रखनी है, टेबल आपको रखना है, साइड टेबल्स आपको लगाने हैं तो इजिली आप लगा सकते हैं, इतना स्पेस आपको मिलने वाला है। फिर बात करते हैं फॉल सीलिंग्स और उसकी लाइटिंग्स की, तो अगेन आपको जो है एक डार्क कलर का कॉम्बिनेशन मिलेगा, ब्लूइश कलर की लाइट है, फैन बहुत प्यारा है, और डिज़ाइन तो सर मेहनत की है, और आपको पता है अगर किसी चीज़ को मेहनत से किया जाए तो उसका फल भी हमें बहुत अच्छा ही मिलता है। तो आप देख सकते हैं हमारे डिज़ाइंस, देख सकते हैं हमारा वर्क, देख सकते हैं इंटीरियर, देख सकते हैं फ्लैट के अंदर जो भी वॉलपेपर हैं वो सब देख सकते हैं, और उसके बाद आप हमें बता सकते हैं कि आपको क्या पसंद आया। तो अब दिखा देते हैं आपको एल टाइप की बालकनी, प्लीज़ इस बालकनी को पूरा कवर कीजिएगा, पीछे से भी दिखाइएगा कि कितना स्पेस इस बालकनी में है। आप देख सकते हैं कितनी लंबी चौड़ी बालकनी यहाँ पर मिलने वाली है। अब इसके साइड में भी आपको स्पेस दिखा देता हूँ, यहाँ तक पूरी आपकी बालकनी रहने वाली है।
साइड में आपको स्टेनलेस स्टील की ग्रिल्स मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको टैप का प्रोविज़न मिलेगा, ड्रेनेज का प्रोविज़न मिलेगा, तो आप इजीली यहाँ पर अपना वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। और बात करें यहाँ से आपको प्रॉपर वेंटिलेशन तो मिलने ही वाला है। अब चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम के अंदर। थर्ड बेडरूम में हम बालकनी से ही जाएंगे। उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ, ये जो गली है जैन रोड पर है, मतलब जैन रोड पर अगर आप एंटर करके 500 मीटर अंदर आते हैं तो ये गली आपके राइट साइड में पड़ने वाली है। बिल्कुल मेन रोड पर ही प्रॉपर्टी है। अगर मैं एंड पर बात करूँ तो इस गली का डेड एंड है, बिल्कुल यहाँ पर आपकी गली जो है पूरी ख़त्म हो जाती है। मींस आपको सेफ्टी सिक्योरिटी में ये हेल्प करेगा, कोई भी अननोन पर्सन आपके इस गली में नहीं आएंगे या फिर ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक नहीं होगा, व्हीकल्स नहीं होंगे, तो आप इजीली शांति से इस घर में रह सकते हैं। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है घरों के अंदर रहने का। अब चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम में, जो कि बालकनी से ही अटैच है। इसमें आपको वॉशरूम तो मिलेगा ही, और इसका स्पेस सबसे पहले आपको बता देता हूँ, स्पेस बहुत प्यारा रहने वाला है। तीनों ही बेडरूम के स्पेस बहुत प्यारे हैं। सबसे पहले इसकी फ्रंट वॉल आपको बता देता हूँ, यहाँ भी आपको ब्लूइश और ब्लैकिश कलर का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। बहुत बेहतरीन वॉलपेपर हमने यूज़ किए हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ एक अलमीरा आपको मिलने वाली है, ये ट्रिपल ड्रॉर में है, प्लस में मिरर भी आपको मिलेगा, सो आप अपना प्रिटी फेस इजीली देख सकते हैं। और ये पूरा ट्रिपल ड्रॉर की आपकी वार्डरोब यहाँ पर रहने वाली है। ऊपर भी ऐसे ही ब्लॉक मेंशन किए गए हैं, स्टोरेज से रिलेटेड आपको कोई भी इशू इस घर में नहीं आने वाला। इसकी फॉल सीलिंग एक बार देख लेते हैं, स्क्वायर में है, लाइटिंग्स अच्छी है, वाइट और ब्लूइश लाइट का कॉम्बिनेशन है, प्लस में ओरिएंट कंपनी का फैन यूज्ड है, और वायरिंग्स और स्विचिंग्स भी हमारी मोस्टली ब्रांड की ही रहती हैं, तो आपको वहाँ इंटरनल भी कोई इश्यूज नहीं आने वाले। इसका वॉशरूम एक बार आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, मुझे बहुत पसंद आई है इसका टाइलिंग्स वर्क, जो कि बहुत प्यारे से लुक में है, डिज़ाइनिंग्स अच्छी है, और सभी सैनिटरी हमने ऑलरेडी इसमें प्लेस की है। टैप्स की अगर बात करूँ तो ब्रांडेड कंपनी हमने इसमें यूज़ किया है, और सभी फिटिंग्स आपको मिलती ही है। यूजुअली इसमें भी आपको ड्रेनेज गीज़र की फिटिंग्स मिलेगी, सब कुछ हमने ऑलरेडी इसमें प्लेस कर दिया, आपको कुछ भी चीज़ जो है एक्सटर्नल नहीं करवानी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे अपना फर्नीचर आपको लाना है, अपने क्लोथ्स लाने हैं, क्रॉकरी लानी है, तो वो आपको लाना पड़ेगा। उसके अलावा आपको कुछ भी इस घर में नहीं लाना, वो सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको इस फ्लैट को फुली फर्निश्ड करवाना है तो हम वो भी आपको करवाकर दे सकते हैं। जो भी चार्जेस होंगे हम सेम टाइम पर आपको बता देंगे। तो गाइस ये 3 BHK फुली फर्निश्ड था, आपने देखा, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप फाइंड आउट कर रहे हैं कोई फ्लैट द्वारका मोड़ उत्तम नगर की लोकेशन पर, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी आपको चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपके डिस्प्ले पर मेरा नंबर ऑलरेडी चल रहा है। तो ये फ्लैट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ जो भी फैसिलिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ, वाटर्स कनेक्शन की बात करूँ, लोन की बात करूँ, लोन आपको अच्छे बैंक से मिल जाएगा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, और रजिस्ट्री इस पर अवेलेबल है, तो आपको कोई भी इश्यूज़ नहीं आने वाले। बेसिकली आपको ओवरऑल सब चीज़ें इस फ्लैट में मिल जाएगी, तो आपको जस्ट इस फ्लैट पर विजिट करना है, पसंद आए तो इसको बुक करना है, इसमें शिफ्ट करना है, और आगे सभी प्रोसेस हम आपके साथ करवाने वाले हैं, तो आपको फ्यूचर में भी कोई इश्यूज नहीं आने वाले। अब गाइज मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नई वीडियो में, नए फ्लैट नए इंटीरियर के साथ। तब तक आप अपना ध्यान जरूर रखिएगा, और बाय बाय।